और अब खबर लाखों छात्रों से जुड़े हुए, क्योंकि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र बेशक प्रमोट हो गए लेकिन रिजल्ट का इंतजार उन्हें भी है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द रिजल्ट को लेकर फाइनल फॉर्मूला जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द ही रिजल्ट किस आधार पर घोषित होगा, वो पैमाना, वो मापदंड क्या होंगे, मूल्यांकन कैसे होगा, ये तस्वीर साफ हो सकती है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में गठित समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है कि आखिर वो फॉर्मूला क्या होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अनुभव शुक्ला का। अनुभव, बताइएगा प्रमोट हुए छात्रों के लिए किस तरह के मूल्यांकन सिस्टम की बात हो रही है और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, इस बार जब हाई स्कूल की परीक्षाएं होती, इंटर की परीक्षाएं होती, उसी समय कोरोना की सेकेंड वेव थी और इतनी खतरनाक वेव थी कि लगातार हजारों लोग संक्रमित हो रहे थे और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। इसीलिए फिर ये तय हुआ, यूपी सरकार ने पहले ये तय किया कि 10वीं की परीक्षा तो नहीं कराएंगे, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। और फिर 12वीं के लिए ये एक पैनल तैयार किया था और उसमें ये तय हुआ था कि अगर माहौल ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, कोरोना केस कम रहेंगे तो जुलाई में जा सकते हैं, एग्ज़ाम करा सकते हैं। पर उससे पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया कि CBSE के 12वीं की जो परीक्षाएं वो नहीं होंगी, तो तमाम सारे राज्यों ने फिर 12वीं की परीक्षा भी रद्द की और यूपी सरकार ने भी उसको रद्द कर दिया। एक पैनल उसके बाद बनाया गया जो ACS है, आराधना शुक्ला विभाग की, उनके नेतृत्व में, और वो समिति तय कर रही थी कि किस तरीके से ये मूल्यांकन होगा, क्या 10वीं में जो बच्चे प्रमोट होंगे, क्योंकि देखिए दोनों बोर्ड की परीक्षाएं हैं और 12वीं की परीक्षा तो ऐसी है कि उसके बाद कॉलेज में दाखिला लेना होता है, नंबर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ऐसा मानक तैयार किया गया है कि आगे एडमिशन्स में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसमें 11वीं के जो उनके नतीजे हैं उसको भी आधार बनाया जाएगा और इससे पहले जब 12वीं की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी उस दौरान भी जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उनको भी आधार बनाया जा सकता है। तो इसकी घोषणा आज या कल के बीच में हो सकती है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सभी पहलुओं पर गहन मंथन चल रहा है और ये फॉर्मूला जो निकालने की कोशिश हो रही है उसके पीछे मकसद यही कि छात्रों के हितों, खासतौर पर जो मेधावी छात्र हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके हितों का खास ध्यान रखा जाए। बहुत शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से, अयोध्या जमीन खरीद विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला, ट्रस्ट ने अब पूरे मामले पर PMO और संघ को अपनी रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में जमीन खरीद में घोटाले के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया गया है। निर्माण समिति के चेयरमैन के सामने भी इस विवाद से जुड़े सारे पक्ष को विस्तार से रखा गया है। तो आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर अब PMO और संघ को चिट्ठी लिखी गई है। ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या जमीन खरीद मामले में अब एक चिट्ठी लिखी गई है। ट्रस्ट ने मामले पर PMO और संघ को अपनी रिपोर्ट भेजी है। जमीन खरीद में घोटाले के आरोपों को एक राजनीतिक साजिश बताया गया है। निर्माण समिति के चेयरमैन के सामने सारे पक्षों को रखा गया है।